आजकल टमाटर के भाव इतने बढ़ गए हैं कि सोना भी शर्माने लग जाए। आप सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या मजाक है, ज़्यादा से ज़्यादा टमाटर का भाव 80 रुपये किलो होगा या 100 रुपये, लेकिन कभी देखा या सुना है कि 580 रुपये किलो के हिसाब से टमाटर बिक रहे हों और वो भी कोरोना काल में? जी हाँ, ईमानदारी के मुंह पर तमाचा जड़ते हुए ये कारनामा हुआ है छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में क्वारंटाइन सेंटर के अंदर। दरअसल एक RTI में खुलासा हुआ है कि कांकेर में बने क्वारंटाइन सेंटर में अधिकारियों ने 580 रुपये प्रति किलो टमाटर खरीदा है, जबकि इस कीमत पर छत्तीसगढ़ में कभी एक किलो टमाटर भी नहीं बिका। खुलासे के बाद कांग्रेस के विधायक भी हैरान हैं। कोरोना वायरस महामारी के चलते लॉकडाउन के दौरान इमलीपारा के क्वारंटाइन सेंटर में अन्य राज्यों से आने वाले मजदूरों व छात्र छात्राओं को ठहराया गया था। RTI के तहत मिले दस्तावेजों से इस भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ। इसके मुताबिक इमलीपारा क्वारंटाइन सेंटर में सब्जी बनाने के लिए टमाटर को 580 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदा गया और इसी का बिल भी बनाया गया। 580 रुपये प्रति किलो खरीद का बिल उस समय भेजा गया जब टमाटर की अधिकतम कीमत 20 रुपये किलो थी। टमाटर का यह भाव अपने आप में हैरान कर देने वाला है। जानकारी के मुताबिक बिल में अन्य सब्जियों की कीमत भी अधिक बताई गई है। इलाके के जनप्रतिनिधि भी इस खुलासे से दंग है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस क्वारंटाइन सेंटर पर लॉकडाउन के दौरान सारी व्यवस्थाएं करने में 1,67,00,000 रुपए की राशि खर्च की गई। वहीं RTI के तहत खुलासे के बाद अब जिले में हड़कंप मच गया है। कलेक्टर ने इस मामले की जांच को लेकर एक समिति गठित कर दी है। समिति 3 दिनों के अंदर रिपोर्ट सौंपेगी। रिपोर्ट के आधार पर क्या कार्रवाई की जाएगी ये तो देखने वाली बात है। फिलहाल इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। BJP ने कहा कि सभी क्वारंटाइन सेंटर पर जो राशि खर्च की गई है उसका ऑडिट हो, इसमें करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि इस मामले में जाँच के बाद कार्रवाई होगी, इस मामले में किसी को नहीं बख्शा जाएगा। दीपक कुमार, पंजाब केसरी स्टूडियो, दिल्ली। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कीजिए। यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो।